हेलो नमस्कार, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक और वर्ड समझते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब प्रतिवाद या विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्ट माने क्या होता है? खंडन करना, विपरीत मत का होना। किसी ने जो कुछ भी कहा है, किया है, उससे सहमत नहीं होना, उसका समर्थन ना करते हुए उसके बिल्कुल विपरीत बात कहना कि जो कुछ अभी आपने कहा है वो ठीक नहीं है, बल्कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो ठीक है। ये हुई कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये खंडन का थोड़ा सा बल प्रयोग किया जाता है, तथा खंडन करने वाला अपनी बात या मत से पूरी तरह संतुष्ट होता है कि जो कुछ वह कह रहा है वो ठीक है, ना कि दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है। मतलब हुआ कि कुछ लोगों का मत है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल होगी, परंतु अन्य लोगों को मानना है कि ये लोग गलत कह रहे हैं, इसलिए इस बात तो जनसंघ पार्टी ही जीतेगी। एक दूसरे से एग्री नहीं करते, इसलिए उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने रमेश की बीमारी का निदान किया, मलेरिया है इसको। जब रमेश ने किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह ली तो उसने पहले डॉक्टर के निदान को बिल्कुल ही गलत बताया, तथा उसकी बीमारी का निदान टाइफाइड के रूप में किया कि वो तो गलत कह रहा है। तो एक और उदाहरण, पिता ने कहा कि सोमवार को अमावस्या है, तो माँ ने कहा कि आप तो ये गलत कह रहे हैं, अभी 3 दिन पहले ही तो अमावस्या गई है, इसलिए सोमवार को अमावस्या कैसी हो सकती है। तो जब व्यक्ति अपनी बात का, मत का खंडन कर रहा है, तो वह आपकी इच्छा, मत यानी जो आपके पास इंटेलिजेंस है आदि के विरोध में जा रहा है, उसके नकार रहा है, यानी जो कुछ हो रहा है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। उदाहरण, वह मुझे अपने से छोटा समझती है, अतः मेरी प्रत्येक बात का विरोध करती है। कॉन्ट्राडिक्शन अभी पढ़ा था ना, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा विरोध करने या बात काटने की इस प्रक्रिया को ही कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो इस शब्द को अलग संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है, जहां दो चीजें एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं खाती हैं, बल्कि एक दूसरे की विपरीत होती हैं। उस स्थिति को भी विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। जैसे जो कुछ वह कह रहा था और जो कुछ उसके हाव भाव से प्रकट हो रहा था, दोनों बिल्कुल उलट महसूस हो रहे थे। जो वो कह रहा था उससे लग रहा था कि वो निर्दोष है, परंतु जितना वह अपने हाव भाव से घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था, तो उससे लग रहा था कि उसी ने अपराध किया है। अर्थात उसकी वाणी और हाव भाव में एक विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन था। एक और उदाहरण है, मैं इतना संभल कर रहता हूं जी कि फिर भी मुझे खांसी हो जाती है। अर्थात वो ये सोचता है कि संभल कर चलने से उसको खांसी नहीं होगी, परंतु फिर भी हो जाती है। मतलब खांसी उसके प्रयासों का विरोध कर देती है जो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इन दोनों शब्दों का रिपोर्टरी में प्रयोग बहुत जगह हुआ है। तो मैं कुछ पढ़ देता हूं, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन इन टॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कर्सिंग कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम एक्साइटमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम इम्पेशेंस, कॉन्ट्राडिक्शन एट स्लाइटेस्ट, इरिटेबिलिटी कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम मोरोज, कॉन्ट्राडिक्शन बाई रेज, फ्यूरी कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम वीपिंग, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम विल, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विल। हेड के रूप में, हेड में भी दिए हैं, फेस में भी दिए हैं, स्टोमेक, एक्सट्रीमिटी, जर्नल्स, तो जर्नल्स में है कन्वल्जेंस आफ्टर कॉन्ट्राडिक्शन, हालांकि ये भी बिल्कुल मेंटल सिम्टम है। तो इनमें से हम कुछ रूपरेखों को समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, तो इस रूपरेख का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो ट्रांसलेशन है, वो है कि व्यक्ति का विरोध करने पर या उसकी बात काटने पर या उसकी बात ना मानने पर उससे परेशानियां होने लगती हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर इस रूब्रिक के अंतर्गत दी गई सभी औषधियां अपने अपने स्वभाव के अनुरूप प्रतिक्रियाएं करती हैं, जिनका पता औषधि में दिए गए अन्य रूब्रिकों से लगता है। कॉन्ट्रा होके कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई उदास हो जाता है, कोई रोने लगता है, कोई सो जाता है, कोई फ्यूचर में आपसे बात ही नहीं करता है, कोई परमानेंट रिलेशन तोड़ देता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन के आगे जो दवाई दी है, उसके अलग और जो सिम्टम है उनसे पता लगेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन से क्यों नाराज हो रहा है। एलिमेंट क्या होता है वो बढ़ते हैं। एलिमेंट किसी गंभीर बीमारी को नहीं कहते, बल्कि मामूली
से मन खराब होना, नाराज होना, घबराहट होना, विचलित हो जाना या शरीर में कहीं हल्का फुल्का सा दर्द होना आदि, ये सब एलमेंट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नखश्रोणिका का रोगी स्वयं को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहता है, उसको ये एहसास रहता है कि जो कुछ वो कर रहा है पूरी तरह से ठीक है। इस कारण से वो ये आशा रखता है कि वो हमेशा ठीक रहेगा, परंतु जब उसको जरा सी भी कोई परेशानी, यानी इसको रूब्रिक दिखाया गया सेंसिटिविटी टू कोराइजा, जरा सी भी कोई परेशानी होती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, रोगी कहेंगे आपके पास आके, अभी मैं इतना संभल कर रहता हूं, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाता, फिर भी मैं बीमार हो गया हूं। मतलब यह है कि बीमार होना उसको पसंद नहीं है, अर्थात जो कुछ वह करता है बीमारी से बचने के लिए करता है, परंतु फिर भी बीमार होने से उसका मन खराब हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा, और बीमारी की इस अवस्था को वह सहजता में नहीं ले पा रहा है। ये असहज महसूस करना ही उसकी एलिमेंट है। अब कॉन्ट्राडिक्शन होने में हेमामेलिस कैसे रिएक्ट करेगा वो थोड़ा बताते हैं। तो हेमामेलिस हमेशा ही स्वयं के बारे में अच्छा अच्छा सुनना चाहता है। वह चाहता है कि सब लोग केवल वो ही बात करें जो उसके सम्मान को और ज्यादा बढ़ा दे। वह जो कुछ भी कहे लोग उसकी बात को मान लें। इसका रूब्रिक है डिजायर पीपल शुड पे रेस्पेक्ट टू हिज ओपिनियन। परंतु जब कोई उसकी बात का समर्थन नहीं करता या उसको नाराज करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। ये बुरा लगना ही उसकी एलिमेंट है। एक और रूब्रिक समझने का प्रयास करते हैं, विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विल। मतलब इस रूब्रिक का मतलब है कि वह स्वयं अपनी इच्छाओं का विरोध करता है, अर्थात उसका एक मन कुछ कहता है परंतु दूसरा मन उसको वैसा करने से रोकता है। जैसे उदाहरण के लिए सीपिया शुरू से ही अपने परिवार को समर्पित व्यक्ति होता है। वो अपने परिवार के लिए अपने सामर्थ्य से बहुत ज्यादा करता है, उसकी हर इच्छा का ध्यान रखता है। इसको कहते हैं डांसिंग। जैसे कहें तो परिवार की देखभाल करने के लिए वो हमेशा ही खुशी खुशी इधर उधर भागता फिरता है, परंतु ऐसा करते करते लंबे समय के पश्चात जब वो थक जाता है तो फिर वो आराम चाहता है तथा आशा करता है कि उसके घर वाले, जिनके लिए उसने इतना सब कुछ करते करते जिसके कारण उसकी हालत खराब हुई है, उन घर वालों के लिए अब थोड़ी बहुत वो लोग भी मेरी देखभाल करें। परंतु सामने वाले यानी घर वाले तो अपने में ही मस्त रहते हैं, वो इसकी इस आशा के अनुरूप बिल्कुल देखभाल नहीं करते हैं, तो यह भी उनकी देखभाल में फिर कमी करने लगता है। परंतु इसका मन ऐसा बर्ताव करने के लिए मानता नहीं है। वो आज भी अपने परिवार की परेशानी में देख रहा है और उसकी अच्छे से देखभाल करना चाहता है, परंतु जब उसे ख्याल आता है कि कोई उसकी भी देखभाल ठीक से नहीं करता है तो उसे भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु वह चाहकर भी अपने परिवार का नजरअंदाज नहीं कर पाता है, न चाहते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा पाता है। अर्थात उसका एक मन करता है कि पूरे परिवार को एकदम से छोड़ दे, बाहर में जाए, उनकी जरा सी भी देखभाल ना करे, परंतु दूसरा मन कहता है कि नहीं, मुझे देखभाल करनी चाहिए, अगर वो खराब हैं तो क्या मैं भी खराब हो जाऊं, मुझे तो अपनी ड्यूटी निभानी ही है, यानी अपनी ड्यूटी वो फिर बेमन से करता है। तो इस प्रकार अन्य रूब्रिकों को भी इस प्रकार की व्याख्या के संदर्भ में समझा जा सकता है कॉन्ट्राडिक्शन को।